हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इंटेक्स एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन 135, मतलब इंटेक्स एक्सरसाइज 6 में 135 क्वेश्चंस पे होमवर्क। राइट, डन। ये हो गए थे 4 क्वेश्चंस। रेडी? ये 4 क्वेश्चंस हो गए थे। ओके, इंडेक्स इसका 5। ठीक है जस्ट अ मिनट। ओके, 5 का 5। ओके, देखो इंडेक्स एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल। देखो टी कोल्ड क्या है इसका बताओ। टी कोल्ड है 127 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो ये कितना हुआ, 400 केल्विन। और टी हॉट कितना है बताओ, 227 प्लस 273, 500 केल्विन। कोई दिक्कत है? टी कोल्ड और टी हॉट तो हो गया ना अपना, तो एफिशिएंसी क्या आएगा इसका बताओ। 1 माइनस टी कोल्ड बाय टी हॉट, राइट? तो ये 1 माइनस 4 बाय 5, राइट? तो ये कितना है, 1/5 आया, राइट? अब ये एफिशिएंसी क्या होता है बताओ। ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट? एवरीडी ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट क्या है, जो हीट इसने लिया वो 6 × 10 की पावर 4 कैलोरी, ठीक है? तो आउटपुट क्या देगा बताओ, 6/5 × 10 की पावर 4 कैलोरी, राइट? तो वही वर्क होगा ना, 1.2 × 10 की पावर 4 कैलोरी जो होगा दैट विल बी वर्क। क्लियर? एवरी डू वांट टू राइट दिस? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट और किसी को डाउट है? 3 2 3 क्वेश्चन 6 से भी दिए थे। एवरीडी इंटेक्स है, 6 से भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे, डाउट है क्या? ओके, आई यू सी सेइंग 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वाटर के लिए आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है दैट इज गिवन, वो कितना है, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है? डेल्टा एच वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। डेल्टा एस फॉर वाटर, तो डेल्टा एस क्या होगा, ठीक है? तो देखो डेल्टा एस कैलोरी पर मोल है, तो अब देखो पर मोल निकालना पड़ेगा तुम्हें, ये 540 कैलोरी पर ग्राम है, तो 1 मोल के लिए इनटू 18 हो गया ना, ये समझ में आया? एवरीबॉडी ये क्लियर है नहीं? तो अब डेल्टा एस कैसे निकालते हैं अपन बताओ। डेल्टा एस ऐसे ही निकालते हैं ना, 540 × 18 अपॉन जो टेम्परेचर है इसका 373। इज दैट क्लियर? तो देख लो क्या आंसर आ रहा है।
ठीक है नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है कुछ नहीं हो गया सारा। ऊपर स्क्रॉल करो जस्ट मिनट। यू वॉन्ट टू राइट दिस विश्वराज? ठीक है लिख लो। डन। ओके लास्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर का फिर से बताइए। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो सिद्धेश? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन? टीसी एंड टीएच। अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो लोअर टेम्परेचर वाला ही कोल्ड होगा ना और हायर वाला हॉट होगा। कोई डाउट है? दो टेम्परेचर होते हैं इसमें लोअर टेम्परेचर कोल्ड होगा और हायर टेम्परेचर हॉट होगा। तो फॉर्मूला यही होता है ना, वन माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट। तो वन माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट कर दिया हमने तो हमें एफिशिएंसी मिल गई 1/5। क्लियर है ये? ठीक है तो अभी ये जो है 1/5 वो होगा आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी जो वर्क है आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, तो इससे वर्क निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है क्वेश्चन नंबर 3। एट 1 atm प्रेशर डेल्टा एस दे रखा है अपने को 75 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है डेल्टा एच दे रखा है अपने को 30 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है 75 जूल पर केल्विन पर मोल और ये 30 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है तो अब जरा सोचो डेल्टा वो एक्चुअली में जैसे लिक्विड जब कन्वर्ट होता है जैसे इस लिक्विड से गया गैस में तो ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे होता है और वो टेम्परेचर ऐसे निकलता है राइट। कोई दिक्कत है इसमें एवरीडी? क्लियर है या डाउट है? क्लियर है? थर्टी किलो जूल होना चाहिए राइट। डेल्टा एच शुड बी 30 किलो जूल तभी ये मैच करेगा। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें पंगा तो है। आंसर क्या 400 केल्विन दिया है? एक्चुअली ये जूल पर केल्विन का भी होता ही नहीं इसका यूनिट, समझ रहे हो? इसका यूनिट जूल पर केल्विन होता ही नहीं है, वो केल्विन जो है ना वो आगे आएगा, गलती से प्रिंट हो गया है, किलो जूल है वो, समझ रहे हो? क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ा सा। क्योंकि एंथैल्पी का यूनिट थोड़ी होता है जूल पर केल्विन। नेक्स्ट बताइए, बाकी सारा हो गया? ठीक है तो ओके राइट डाउन विश्वराज।
डन। विश्वराज डन। फाइन, तो लेट अस गेट बैक टू कार्नोट साइकिल फॉर अ वाइल। कार्नोट साइकिल पे वापस आ जाते हैं। तो वो कार्नोट साइकिल याद आ रहा है ना, सबको समझ गए थे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। देखो जैसे हमने सीखा था कि दो एडियाबैटिक और दो आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं, राइट, और वो कलेक्टिवली मैक्सिमम एफिशिएंसी जनरेट करते हैं। अपन ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से वापस, राइट। तो ये आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है, ये दोनों एडियाबैटिक हैं, राइट, ये वाले और ये वाले। इसमें हीट सपोज Q1 इनपुट होता है और इससे हीट बाहर जाता है। तो हमने सीखा था एफिशिएंसी होता है 1 माइनस, लेट से Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T कोल्ड अपॉन T हॉट। यही एफिशिएंसी होता है, राइट एवरीबडी। 1 माइनस Q2 बाई Q1 बोल दें या फिर 1 माइनस TC बाई TH बोल दें, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हीट आ रहा है, तो ये हॉट है, दिस इज टी हॉट और दिस इज टी कोल्ड, राइट। तो मैं ऐसा भी लिखें Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू TC बाई TH तो चलेगा एवरीबडी। तो Q2 बाई TC इज इक्वल टू Q1 बाई TH हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, Q2 बाई TC इज इक्वल टू Q1 बाई TH। तो अब एक बात बताओ, Q2 अपॉन TC ही ट्रांसफर्ड अपॉन टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो ही रहा है, तो ये बोल सकते हैं ये इस केस का इंट्रोपी चेंज है। दिस Q2 अपॉन TH इज डेल्टा एस अलोंग CD, ऐसा बोले तो चलेगा, एंट्रोपी चेंज है ये। और Q2 अपॉन TC सॉरी, एंड Q1 अपॉन TH इज डेल्टा एस अलोंग AB, ये चलेगा क्या यदि हम ऐसा बोलते हैं तो? एवरीबॉडी इज इट पॉसिबल, कैन वी राइट इट लाइक दिस, चलेगा ना? ओके ठीक है। तो अब जरा सोचो, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, हम प्रूव कर सकते हैं क्या? तुम्हें लगता है डीएस इंटीग्रल जीरो हो रहा है, साइक्लिक इंटीग्रल जीरो हो जाएगा एंट्रोपी का? जरा सोचो, यहाँ पे जो हीट है वो आ रहा है और यहां से हीट जा रहा है, राइट। तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट साइन में होंगे, एक प्लस है तो दूसरे को माइनस लिखना पड़ेगा हमें, इज दैट क्लियर? साइन कन्वेंशन जो चलेगा। तो अब देखो डीएस का जो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, A to B DS plus B to C DS plus C to D DS plus D to A DS, ये लिख लिया सबने। कहने स्क्रोल अ लिटिल डाउन, नीचे जा सकता हूं मैं स्क्रोल करके? अच्छा एक सेकंड, मैं पूरा कर लेता हूं, तुम लोग लास्ट में लिख लेना, चलेगा ना? तो अब जरा देखो हमने क्या किया है। देखो A to B DS के लिए हमने लिख दिया Q2 अपॉन TH, वो दूसरा वाला केस में तो जीरो है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, प्लस Q1 बाई TH, यहाँ पे कोल्ड होगा और प्लस फिर से जीरो, समझ में आया? और ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों और ये दोनों क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट, राइट, जैसे हमने देखा इक्वल एंड अपोजिट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ओवरऑल तुम देखोगे तो जीरो हो गया ना। तो अब साइक्लिक इंटीग्रल डीएस का जीरो है, इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन हो रहा है ना, बिकॉज एक साइक्लिक प्रोसेस में जीरो आ रहा है, राइट। तो इससे हम ये भी प्रूव कर पा रहे हैं कि एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन।
कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? ये समझ में आया? मतलब एक चीज तो हमने ये प्रूव कर ली कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, मैथमेटिकली कैसे आता है। दूसरी चीज हमने ये प्रूव कर ली कि बेसिकली कार्नोट साइकिल में क्या क्या चीजें हैं, वो उसमें प्रूव नहीं तो पढ़ने वाली चीज है। तो ये लिख लीजिए आप लोग। प्रूव हमने सिर्फ यही किया है कि एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। यहाँ प्रूव ये किया है कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है और क्या। ठीक है, मैथमेटिकली हमने प्रूव नहीं किया था ना इस चीज को कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, यहाँ उस चीज को हमने प्रूव किया है। डन, रिटन। QC Q2 बाई T कोल्ड। अरे नहीं, वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन का है, ऐसा ऐसा उसको कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो Q2 बाई T कोल्ड है ना, वो C2D के लिए है, और ये Q1 बाई T है, ये A2B के लिए है। वो थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? ये दिस इज फॉर C2D एंड दिस इज फॉर A2B, वो थोड़ा आगे पीछे लिख गया मैंने। समझ में आया आदित्य? स्क्रोल अप करो। ठीक है, नीचे डन डन। डन नाउ। ओके फाइन। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी कैलकुलेट करना सीख लिया है ना, और हमने सीख लिया कि कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट इंजन क्या होता है, राइट? याद करो हमने बोला था कि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद ये बता पाएंगे कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, राइट? कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे होगा। तो वो सारी बातें अब तक हम कर पाए हैं क्या? नहीं कर पाए। तो इसका मतलब देयर इज सम अदर पैरामीटर व्हिच आल्सो नीड्स टू बी डिफाइंड, राइट?
सो वील जस्ट टॉक अबाउट इट, ठीक है? हो गया था डन? ओके फाइन। थर्मोकेमिस्ट्री, अच्छा आपका जो सिलेबस है कल के टेस्ट के लिए, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट जो है वो आ रहा है, ठीक है ना? जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें सेकेंड लॉ आ जाएगा, ठीक है? तो जो अभी नेक्स्ट पैरामीटर है जो हमें ये बताने वाला है, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी। अब ये टर्म क्या है, थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टर्म। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? हमारा पोर्शन किस चीज का पोर्शन, मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट सम टेस्ट और व्हाट? ये चैप्टर नेक्स्ट वीक खत्म होगा, ठीक है? तो अब देखो बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ पैरामीटर विच इज इंट्रोड्यूस्ड, या फिर ऐसा ही बोलते हैं ना, विच इज यूज्ड, ऐसा लिख लेते हैं। टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली क्या है, इसको डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। थोड़ा एक बार डेफिनेशन लिख लो, समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। यूजफुल वर्क और नॉन मैकेनिकल वर्क, नहीं डेफिनेशन लिख लिया तुमने। ओके तो अब देखो इसमें करना क्या है अपने को, जैसे हमने सीखा कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करता है, प्रिडिक्ट करता है एक तरह से, है ना? ये हमें ये बताएगा कि गिवन रिएक्शन होगा या नहीं होगा और क्या क्राइटेरिया होगी उसके स्पॉन्टेनिटी। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क या फिर नॉन मैकेनिकल वर्क। अब ये क्या है देखते हैं, ठीक है? यूजफुल वर्क डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो एक सिस्टम में जो अवेलेबल एनर्जी है वो है 10 जूल, इसी को बोलते हैं ना एच। एवरीडी एच है, अवेलेबल एनर्जी है, जिसको ही इंथैल्पी बोलते हैं, राइट? अब उस अवेलेबल एनर्जी में कुछ एनर्जी वेस्ट होता है, राइट? दिस इज वेस्टेड एनर्जी। अब सपोज ये है 2 जूल, ठीक है? तो फ्री एनर्जी जी क्या होगा, 8 जूल ना, इससे तुम कुछ और काम कर सकते हो, ये तो वेस्टेड है। दिस इज योर वेस्टेड एनर्जी, दिस इज योर लेट्स से अवेलेबल एनर्जी, तो दिस विल बी योर फ्री एनर्जी। इज दैट क्लियर एवरीडी? इज दैट क्लियर? अब ये अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये जो फ्री एनर्जी है इसमें तुम मैकेनिकल वर्क नहीं समझे, क्यों, क्या दिक्कत हो गई? अरे घर से 10 रुपया लेके निकले और मतलब कुछ पैसे सपोज चोरी हो गए,
क्या चोरी, पैसे तो एग्जाम्पल सही नहीं होगा, उबर के ही देना होगा क्योंकि वेस्ट होता है। तो अभी मान लो तुम्हारे पास अवेलेबल एनर्जी 10 जूल है, उसमें से वेस्ट हुआ 2 जूल, तो बचा कितना, फ्री कितना है एवरेडी, व्हाट इज फ्री? फ्री इज 8 जूल, नहीं समझ पा रहे हो? ये 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 8, जो बच गया वो फ्री है। अरे आसान तो है, एच इज अवेलेबल एनर्जी, ये वेस्टेड एनर्जी है, तो फ्री एनर्जी 8 हो गया। बहुत खतरनाक लग रहा है क्या? ठीक है, मैं दो तीन तरह से समझा दूंगा, जो भी तुमको अच्छा लगेगा रख लेना। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया? देखो, ये अवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू फ्री एनर्जी प्लस वेस्टेड एनर्जी। तुम्हारे पास पैसे हैं सपोज एच, उसमें से तुम कुछ वेस्ट कर देते हो, तो जो बच जाएगा वो फ्री एनर्जी है। ये बहुत मुश्किल लगा, या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, फ्री एनर्जी इज इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी माइनस वेस्टेड एनर्जी, जैसे डिफाइन करो। कल्पेश, इज इट क्लियर नाउ? ओके, इसको लिख लो फिर, राइट इट डाउन। हाँ, यहाँ पे फ्री का मतलब यूजफुल है, विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। रिटर्न एवरीवन, फाइन। ये वेस्टेड एनर्जी यूनिवर्स एंट्रोपी बढ़ाने में वेस्ट होता है, ठीक है? स्क्रॉल अप करूं, क्या यहां पे जाना है? डू यू टू राइट दिस कल्पेश? कल्पेश, डू यू टू राइट दिस? कल्पेश, अरे यार बोलते ही नहीं हो। कल्पेश डन, ठीक फाइन। सो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, फ्री एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी व्हिच इज अवेलेबल, राइट? जो बचा वेस्ट होने के बाद वो है फ्री। टोटल एनर्जी में से जो वेस्टेड था उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो उसके बाद जो बचा दैट इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू, देखो अब यहाँ पे तुम्हारे पास एच है अवेलेबल एनर्जी, उसमें से जी है तुम्हारा फ्री एनर्जी, दिस इज अवेलेबल, ठीक है? दिस इज फ्री एंड दिस इज वेस्टेड एनर्जी, इज दैट क्लियर और नॉट? Is that clear everybody? ये अवेलेबल है, ये फ्री है, तो ये वेस्टेड हुआ। अब यहाँ पे जो एनर्जी है ना, उसमें वर्क दो तरह से कर किए जा सकते हैं। एक होता है मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क समझते हो ना, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता है, पिस्टन रखते हैं कांस्टेंट एक्सटर्नल के प्रेजेंस में और पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, सो दिस इज पीडीवी, दिस इज मैकेनिकल वर्क।
नॉन मैकेनिकल वर्क भी तो हो सकता है, जैसे केमिकल रिएक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, तो इसको VDP बोलेंगे, लाइट प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, बहुत सारे और भी तो कर सकता है ना फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे जरूरी थोड़ी है कि सिस्टम, जैसे कई सारे केमिकल रिएक्शन जो है ना, तो जैसे तुम्हारी बैटरी हो गई जो रिस्ट वॉचेस में यूज करते हो केमिकल सेल के अंदर, राइट, वो तो अलग टाइप ऑफ एनर्जी जनरेट करता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि केमिकल रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वर्क ही करे, यू कैन ऑल्सो डू नॉन मैकेनिकल वर्क, राइट। तो अभी देखो दो डेफिनेशन थे, इट इज नॉन मैकेनिकल वर्क और द यूजफुल वर्क, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे फ्री एनर्जी का मतलब नॉन मैकेनिकल वर्क हुआ जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। इज दैट क्लियर नॉट? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। उसको यूजफुल वर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे हम बाकी काम कर सकते हैं। प्लीज रिपीट। देखो सिद्धेश, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, सपोज तुम्हारे पास एच अवेलेबल एनर्जी है, एच इज दी अवेलेबल एनर्जी फॉर यू एंड जी इज दी एनर्जी विच इज फ्री और वेस्टेड एनर्जी TS है, तो ये अवेलेबल है, ये वेस्टेड है, तो ये फ्री हो जाएगा। अब ये फ्री एनर्जी से तरह तरह के काम हम कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है सिर्फ मैकेनिकल वर्क, और नॉन मैकेनिकल वर्क भी तो हो सकता है ना, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, सो दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, जैसे तुम्हारी घड़ी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। सो द रिस्ट वॉच इज जनरेटिंग, द SL इज एक्चुअली जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी यूज्ड। इलेक्ट्रिसिटी का तो अलग अलग तरह का यूज है ही, ठीक है। तो बेसिकली नॉन मैकेनिकल वर्क जो होता है, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी डेल्टा जी। क्लियर है? सो कैन आई स्क्रोल डाउन? ओके फाइन। तो अब देखो इसका डेरिवेशन हम लोग कुछ देखने वाले हैं। बेसिकली डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो फर्स्ट लॉ से भी हम डिराइव कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? वर्क प्लस हीट, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में हम लोग वर्क को लिख सकते हैं TDS, है ना, ठीक है ऑलरेडी। और वर्क हो सकता है नॉन मैकेनिकल प्लस मैकेनिकल, दोनों हो सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T∆S+W नॉन मैकेनिकल प्लस वर्क डन, जो मैकेनिकल होगा इसको अपन -PdV लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ΔU+PdV इज इक्वल टू T∆S+, इसको लिख देते हैं ΔG, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ΔH। तो अब देखो ΔH-T∆S इज इक्वल टू ΔG, ये क्लियर हुआ, ये रिलेशन था ना हमारा, जी इज इक्वल टू H-TS, इसको डेल्टा के टर्म्स में लिख दिया। सो दिस इज कॉल्ड गिब्स हेमहॉल्ट्ज इक्वेशन। यहाँ कोई दिक्कत है? एवरीडे ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके तो राइट इट डाउन। डन।
एवरीडे डन और नॉट? ओके फाइन, अब जरा देखो इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। थोड़ा सा हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी यानी फ्री एनर्जी नॉन मैकेनिकल वर्क डन हुआ। हाँ बिल्कुल, नॉन मैकेनिकल वर्क वीडीपी, राइट? नॉन मैकेनिकल वर्क वीडीपी, इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा बताओ, इट इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? बताओ, इट इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? एक्सटेंसिव समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वी डीपी है, वी इंटू डीपी वॉल्यूम खुद एक्सटेंसिव है, राइट? और इज इट स्टेट फंक्शन और अ पाथ फंक्शन? देखो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वी डीपी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो स्टेट होगा। याद है हमने पढ़ा था कि एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो स्टेट होता है, ये वीडीपी है ना तो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो अब एक, अब ये देखो इसका ऑब्वियसली इट इज एनर्जी, तो इट्स एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा बताओ? किलो जूल पर मोल होगा ना, एक मोल के लिए डिफाइन करोगे तो, या फिर जूल पर मोल, जो भी यूनिट का एनर्जी रखो। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये लिख लीजिए पहले तो। स्टेट फंक्शन का रीजन वीडीपी हमने पढ़ा था, याद है? स्टेट फंक्शन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे और बोला था हर किसी का अपना एक यूज है, राइट? तो स्टेट फंक्शन इसलिए है क्योंकि वीडीपी है, एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, इज दैट क्लियर श्रेयस? ओके फाइन। रिटर्न एवरीवन, फाइन। तो अब देखो इस जैसे एंट्रोपी निकाला था वैसे ही फॉर अ केमिकल रिएक्शन कैसे हम निकाल सकते हैं चेंज इन गिब्स एनर्जी? देखो फॉर अ केमिकल रिएक्शन, जैसे अपने पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है, सपोज आई हैव ए ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, तो इसके लिए डेल्टा जी कैसे निकालो बताओ? ऑब्वियसली ये स्टेट फंक्शन है ना, तो ये तुम्हारा फ्री एनर्जी, दिस इज योर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ए बी सी डी, राइट? तो ऑब्वियसली कैसे निकालेंगे डेल्टा जी रिएक्शन का? समेशन जी प्रोडक्ट माइनस समेशन जी रिएक्टेंट, कोई दिक्कत है? यही होगा ना, तो अब ये क्या आएगा, सी टाइम्स जी सी प्लस डी जी टी टाइम्स जी डी माइनस ए टाइम्स जी ए बी टाइम्स जी बी, ये क्या है, जी ए जी बी जी सी एंड जी डी, ये क्या है बताओ? मोलर फ्री एनर्जीज ऑफ ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? फाइन, राइट इट डाउन।
डन एवरीवन। ओके फाइन। अब देखो, एक होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होता है? जैसे हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पिछले बार भी पढ़ा था, राइट? स्टैंडर्ड एंट्रोपी याद आ रहा है कुछ? राइट ऑन पार था। डन। ओके okay. देखो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी किसको बोलते हैं? दी फ्री एनर्जी डिफाइंड एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा। यदि चेंज निकाल लो इस टेम्परेचर पे, तो ऊपर में एक नॉट लिखना पड़ेगा। सपोज चेंज, यू आर कैलकुलेटिंग चेंजेस एंड द फाइनल स्टेट इज दिस 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। तो एक छोटा सा डॉट लगा लेते हैं, इनफैक्ट सर्कल टाइप का, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट बोलेंगे इसको, जो कि क्या बताएगा? स्टैंडर्ड। क्लियर एवरीबॉडी? ओके रिटन। डन। ओके, सो अब देखो क्या है। अब हम एक बार देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या क्राइटेरिया है इस केमिकल रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी का, उसको एक बार समझते हैं। देखो, क्राइटेरिया तो सेकेंड लॉ में यही है ना, कि डेल्टा एस टोटल बढ़ना चाहिए। देखो, हमने सीखा डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? यही सीखा है ना, ये सब सिस्टम के लिए डिफाइन होगा। गाइस, आर वी क्लियर विद दिस? ये सारी चीजें तो सिस्टम के लिए डिफाइन होंगी ना, से यस और नो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, अब डेल्टा जी सिस्टम देखो, अब डेल्टा एच सिस्टम को लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग। एवरीबॉडी, ये तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो हीट आई वो सराउंडिंग से आई, तो एक को प्लस एक्स तो दूसरे को माइनस एक्स हम पकड़ा ही सकते हैं। ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। माइनस टी डेल्टा, और इसको लिख सकते हैं माइनस टी डेल्टा एच सराउंडिंग, डेल्टा एच सराउंडिंग को माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम लिख सकते हैं, राइट? तो अब डेल्टा जी सिस्टम क्या हो गया? माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम। तो ये हो गया माइनस टी डेल्टा एस टोटल। कोई दिक्कत है? डेल्टा जी सिस्टम इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल।
राइट। सेकेंड स्टेप कौन सा सलोनी, ये वाला या ये 1 2 3 4, कौन सा स्टेप? सलोनी विच स्टेप? लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 3। अच्छा देखो, डेल्टा एस यही होता है ना, डेल्टा एच अपॉन टी, तो डेल्टा एस इंटू टी हो जाएगा, तो सराउंडिंग के लिए भी तो यही आएगा ना ये। इज दैट क्लियर? ओके यहाँ हमने टी कांस्टेंट क्यों माना? कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही तो निकालोगे ना, किसी एक टेम्परेचर पे ही तो चेंज निकालोगे तुम, चेंज किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही तो निकालोगे। डन। रिटर्न एवरीवन। तो अब देखो हमने क्या सीख लिया यहाँ पे, हमने सीखा कि डेल्टा जी सिस्टम इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल। डेल्टा जी सिस्टम इज माइनस टू डेल्टा एस टोटल, यानी सिस्टम। अब देखो क्या है, टी हमेशा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कोई नेगेटिव होने वाली चीज है नहीं, 0 केल्विन या इसके ऊपर ही होगा। तो अब क्या है, जब डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 होगा ना। जब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो सिस्टम की फ्री एनर्जी तो कम होगी ना। एनर्जी सी देखो, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, नहीं एनर्जी डिस्पर्स हो रही है, तो सिस्टम की फ्री एनर्जी तो कम ही होनी चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन के लिए क्या है, दिस इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। हम बोलते हैं कि क्राइटेरिया ये हो जाएगा स्पॉन्टेनिटी का, यानी डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। खुद सोचो, यहां कुछ नया नहीं हमने डिफाइन किया है, सेकेंड लॉ ही चला रहे हैं अभी तक हम, ठीक है। सिस्टम की, यूनिवर्स की एंट्रोपी जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सिस्टम की फ्री एनर्जी तो कम ही होगी ना। तो सिस्टम की फ्री एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन की फ्री एनर्जी कम हो रही है ओवरऑल, यानी एनर्जी वेस्ट ज्यादा हो रही है। आर वी क्लियर विद दिस गाइस? वही होता है ना रीजन स्पॉन्टेनिटी का। तो अब दूसरा क्राइटेरिया है डेल्टा एस टोटल 0, तो डेल्टा एस टोटल 0 तो यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं, तो सिस्टम की भी एनर्जी या फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं, तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रिया, ठीक है। एंट्रोपी सफिशियंट है लेकिन केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एस रिएक्शन को डिफाइन करते हैं ना, वो डेल्टा एस टोटल सफिशियंट है, ठीक है। अभी एक्चुअली दिक्कत क्या है ना श्रेयस, एक चीज अभी भी तुम नहीं समझे हो कि डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस टोटल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तुम दोनों को सेम ही समझ रहे हो। डेल्टा एस टोटल हम एक रिएक्शन के लिए यूज नहीं करते, हम जब भी डेल्टा एस डिफाइन करते हैं ना नॉर्मल किसी प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। और डेल्टा एस टोटल वाला टर्म हम लोग यूज करते नहीं है जनरली। तो एक रिएक्शन में जब अपने पास डेल्टा एच सिस्टम है, डेल्टा एस सिस्टम है, तो उसके लिए डेल्टा जी सिस्टम के थ्रू हम बता सकते हैं स्पॉन्टेनिटी, तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। रिटर्न। तो ये सबको समझ में आ रहा है ना कि क्राइटेरिया क्या है स्पॉन्टेनिटी का, डेल्टा जी क्या होना चाहिए ऑलरेडी नेगेटिव होना चाहिए, राइट। अब मान लो डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 है तो डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑलरेडी, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट।
इसको हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। हाँ डाउन, देन हरिओम। तो अब तो हम बता सकते हैं ना कि कौन सा रिएक्शन मतलब बेसिकली स्पॉन्टेनियस है और कौन सा रिएक्शन नहीं है। कैन वी नाउ प्रिडिक्ट, मतलब जी सिस्टम डिफाइन किया हम, क्या बोलना चाह रहा हूँ, जी सिस्टम के लिए डिफाइन किया है और हम सिस्टम की बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिस्टम के हिसाब से बात करने के लिए जी डिफाइन किया, ठीक है। डन एवरीवन। ओके फाइन। तो अब देखो ये सारी बातें तो अपन कर चुके, अब देखते हैं कि क्या सारे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। कुछ केसेस बनाते हैं, ठीक है। केस वन देखो, मान लो ऐसा है कि डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है। इस तरह का रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, CaO प्लस CO2 बनता है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट एवरीबॉडी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, और इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है। सबको समझ में आया, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एंट्रोपी तो बढ़ी रही होगी रिएक्शन के अंदर। तो अब देखो ऐसे रिएक्शंस ना हमेशा, इस तरह के रिएक्शंस हमेशा हायर टेम्परेचर पे होते हैं। जैसे देख लो ये एक रिएक्शन है PCl5 हीट करने पे ये बनेगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन हमेशा हाईर टेम्परेचर पे हो जाते हैं। कुछ आइडिया लग रहा है कि इस तरह के टेम्परेचर हमेशा हाईर, इस तरह के रिएक्शंस जो कि एंडोथर्मिक है वो हमेशा हाईर टेम्परेचर पे ही क्यों होते हैं? विल थर्मोडायनेमिक हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द रीजन फॉर द सेम? क्या थर्मोडायनेमिक्स हमें कुछ मदद करेगा रीजन पता करने में? देखो इस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुमने जितने भी देखे हैं वो हर वक्त वो सारे के सारे हायर एंट्रोपी की तरफ जाते होंगे। देख लो इन सब के अंदर डेल्टा एस पॉजिटिव ही है, तुम देख लो इस सब के अंदर डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है, राइट। तो अब जरा सोचो, मान लो डेल्टा जी हम लिखते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट बहुत कम है, एवरीबॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट बहुत कम है, तो डेल्टा जी क्या होगा लो टेम्परेचर पे बताओ एवरीबॉडी, लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा एच होगा, क्योंकि ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, राइट, और डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। अब मान लो हाई टेम्परेचर करते हैं, हाई मतलब हाई टेम्परेचर सपोज इनफाइनाइट कर देते हैं, तो डेल्टा जी क्या होगा बताओ? माइनस इनफाइनाइट होगा, यानी नेगेटिव होगा। तो यानी हाई टेम्परेचर पे तो ये होंगे ना सारे रिएक्शन। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि ऐसा जो भी रिएक्शन है जिसके अंदर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एच लेस देन जीरो है वो हमेशा हाईर टेम्परेचर पे होगा, राइट। ऐसे रिएक्शंस में सारे केसेस में हाईर टेम्परेचर पे रिएक्शंस पक्का होंगे, थर्मोडायनेमिक्स में बता रहा है ना कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन किसने टेम्परेचर पे होगा, राइट, किस कंडीशन में होगा। आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस? रिटर्न एवरीवन। डेल्टा एस नेगेटिव कैसे बताया? डेल्टा एस नेगेटिव इसलिए है क्योंकि भैया, अरे भाई डेल्टा एस पॉजिटिव है, नेगेटिव कहाँ बताया मैंने?
आयुष डेल्टा एस नेगेटिव कहां बताया? ये वाला टर्म जब इन्फेनाइट हो जाएगा तो ये सपोज 5 माइनस इन्फेनाइट तो माइनस इन्फेनाइट ही आएगा ना यार, क्लियर अभी भी नहीं है क्या? ठीक है ये लिख लिया सबने? ओके चलो, पर लो पे रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे डेल्टा जी पॉजिटिव है ना आयुष, और हमने सीखा कि क्राइटेरिया डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, यही है ना क्राइटेरिया कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है आयुष, अच्छा ये बताओ इक्विलिब्रिया कब होगा? अच्छा ये लो और हाई किसके रेफरेंस में होते हैं बताओ? लो एंड हाई टेम्परेचर आर डिफाइंड, बता रहा हूं आदित्य, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, आर डिफाइंड विथ रेफरेंस टू किसके बताओ? इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है ये बात? अरे जैसे हम बोलते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर हमारे लिए ज्यादा है, ठीक है 50 डिग्री सेल्सियस इज टू हाई फॉर अस, व्हाई? बिकॉज हमारा कोई फेवरेबल कंडीशन है जहां पे हम अच्छे से, मतलब हमारा लाइफ साइकिल अच्छे से चल सकता है, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहां पर इक्विलिब्रिया क्या होगा बताओ? डेल्टा जी जीरो कर लो, यानी वो टेम्परेचर है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, इस टेम्परेचर से ज्यादा हाई होता है और इस टेम्परेचर से, देखो लो और हाई टर्म्स जो है ना, सी एवरीबडी, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर जो टर्म्स हैं दे आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रिया एंड दे कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, राइट? आर वी क्लियर ऑन दिस? और वो इक्विलिब्रिया के कंडीशन पे डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से ज्यादा है तो उसको हाई बोलते हैं, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से कम है तो उसको लो बोलेंगे, तो लो और हाई इसके रेफरेंस में डिफाइन होता है। Is that clear? अच्छा पहले इसको लिख लो, write it down guys. लिख लिया तुमने? Everybody done or not? Okay. अब देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, हमने बोला लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, तो अब रिएक्शन में लो और हाई कैसे पता चलेगा? देखो डेल्टा हमने सीखा था पहले केस में कि पहले डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा था, फिर कभी डेल्टा जी नेगेटिव हो गया होगा, तो कभी किसी पॉइंट पे डेल्टा जी जीरो रहा होगा ना? Everybody, is that clear or not? मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है, उसके दो रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके एफ एक्स के रूट्स क्या आ रहे हैं? रूट्स आ रहे हैं माइनस वन और प्लस वन, तो ये कभी ना कभी जीरो पे टच किया होगा, क्या किया होगा ना? तो वैसे ही जैसे ये कभी एक कभी किसी रेंज में पॉजिटिव था, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा एच इज डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस है, तो कभी पॉजिटिव था और अब निगेटिव हो गया, तो कभी ना कभी किसी टेम्परेचर पे तो जीरो भी रहा होगा। Is that clear? किसी ना किसी टेम्परेचर पे जीरो रहा होगा, तो वो टेम्परेचर जहां पे जीरो रहा होगा डेल्टा जी, उसको ही इक्विलिब्रिया बोलेंगे ना, और वही रेफरेंस है, क्योंकि इस उसके आसपास यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, मतलब यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस लिख दिया, नॉन एस लिख दिया, एन एस लिख दिया चलेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है तो यहाँ इक्विलिब्रिया होगा ना, तो ये रेफरेंस हुआ, क्योंकि इसके आसपास नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस डिफाइन हो रहा है, तो ये जो यहां पर जो टेम्परेचर है ये रेफरेंस टेम्परेचर हो जाएगा अपना, तो डेल्टा जी जीरो कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें? डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो कि अब जीरो है, तो वो टेम्परेचर क्या है इक्विलिब्रिया का, जो अपना रेफरेंस है वो हो गया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, क्लियर है? Everybody clear or not?
तो इस टेम्परेचर से ज्यादा हुआ है, इस टेम्परेचर से ज्यादा जाओगे तो इधर चला जाएगा इस वाले रेंज में, इससे कम रहोगे तो इस वाले रेंज में रहेगा। ठीक है इसको लिख लो आप। Then okay, तो हमने पहले टाइप के रिएक्शन देखे जहां पे डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो था और डेल्टा एच बी ग्रेटर देन जीरो था। अब केस टू देख लेते हैं, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा एच लेस देन जीरो, मतलब ये रिएक्शन कभी होगा क्या एवरीडी? ये कभी होगा? सी तुम खुद सोचो, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस मतलब टी टेंडिंग टू जीरो ले लेते हैं तो डेल्टा जी डेल्टा एच आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। एनएस लिख देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, समझ जाओगे ना एवरीडी, एनएस लिख देंगे तो चलेगा ना नॉन स्पॉन्टेनियस। T इनफाइनाइट ले लेते हैं तो डेल्टा जी क्या आएगा, ये मान लो तुम्हारा डेल्टा एच है प्लस नेगेटिव नेगेटिव तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये इनफाइनाइट आया पॉजिटिव तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये कभी होगा क्या एवरीडी? पता है इसके हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है, इस केस के हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है। पता है क्या रीजन है? ये कभी होता ही नहीं इस तरह का रिएक्शन, हमारे पास इसका कोई एग्जांपल नहीं है। रीजन समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रिएक्शन होगा तब तो अपने पास एग्जांपल रहेगा, ऐसा कोई रिएक्शन होता ही नहीं है तो हमारे पास एग्जांपल भी नहीं है। ऐसा कोई रिएक्शन देखे हो क्या जैसे लिक्विड को हीट करने पे सॉलिड मिल गया, ऐसा होता है क्या? एवरीबॉडी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इसीलिए क्योंकि इस केस में डेल्टा एच बी ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा एच बी लेस देन जीरो है, इस केस में डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसा कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। तो अब हम ये भी बता सकते हैं भैया कि लिक्विड को गर्म करने पर सॉलिड क्यों नहीं बनता, अब हमारे पास वैलिड रीजन है, थर्मोडायनेमिक्स हमारी मदद कर रहा है। Guys, are we clear on this? Okay. डन ओके। अभी थर्ड केस ले लेते हैं अपन, ठीक है। मान लो डेल्टा एच लेस देन जीरो है और डेल्टा एस लेस देन जीरो है, राइट डाउन देन।
डन ओके तो देखो ये वाला जो केस अपने पास है लेटर से, नहीं, यह हमेशा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा श्रेयस। देखो डेल्टा जी आता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, टेम्परेचर टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा जी डेल्टा एच के बराबर जो कि नेगेटिव है यानी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दोगे ना तो ये आ जाएगा डेल्टा एच, अब प्लस पॉजिटिव आएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस है एट लो टेम्परेचर। इज दैट क्लियर और नॉट? ये समझ में आ रहा है एवरीडी? ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एग्जाम्पल है N2 गैस प्लस 3H2 गैस फॉर्म्स 2NH3 गैस। देखो यहाँ पे 4 मोल गैस है और इससे 2 मोल गैस बन रहा है, इनफैक्ट एटोमिसिटी भी बढ़ रही है, और ये रिएक्शन होता है डेल्टा एच लेस देन जीरो डेल्टा एस लेस देन जीरो, तो ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं हो गई। हाई टेम्परेचर में तो NH3 का डिकम्पोजिशन चालू हो जाएगा, समझ में आ रहा है एवरीडी? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे तो NH3 का डिकम्पोजिशन चालू हो जाएगा, और भी एग्जांपल है जैसे H2 रिएक्ट्स विद O2 एंड फॉर्म H2O, H2 रिएक्ट्स विद O2 एंड फॉर्म्स H2O, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल। हाँ इस तरह के रिएक्शंस ज्यादातर, और भी एग्जांपल मिल सकते हैं, वी कैन नॉट जनरलाइज हर केस में ऐसा होगा, ऐसा अपन नहीं बोलेंगे, है ना, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख के समझ जाएंगे, राइट? ओके कैन वी टॉक, लिख लिया है हमने चौथे फोर्थ केस की बात करें। ओके ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ केस नाउ। डेल्टा एच लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, इसकी बात करते हैं। देखो डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो जब टेम्परेचर टेंडिंग टू जीरो है तो डेल्टा जी क्या आएगा बताओ? नेगेटिव आएगा, यानी स्पॉन्टेनियस, टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दो तो भी नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस हमेशा स्पॉन्टेनियस, राइट? कभी भी, और इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, तो ऐसा रिएक्शन कभी किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो तुम्हें लगता है इस तरह के रिएक्शंस के एग्जांपल हमें मिलेंगे एवरीबॉडी? एक्चुअली में ऐसे रिएक्शन हम नहीं पढ़ते, रीजन समझ में आ रहा है? जो 0 केल्विन पे भी रिएक्शन हो रहा है एवरीडी, जो रिएक्शन 0 केल्विन पे भी हो रहा है उसको हम 25 डिग्री सेल्सियस पे देख कहाँ से पाएंगे? वो तो काफी पहले हो चुका होगा। हम लैब में वही रिएक्शंस देख पाएंगे ना जो अपने टेम्परेचर रेंज में होता हो जिसमें हम जिंदा है, 25 डिग्री 26 डिग्री। इज दैट क्लियर? या फिर एक वर्किंग रेंज में दिखता है, वो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, तो किसी भी टेम्परेचर में पहले ही हो जाएगा। तो मिलेगा ही नहीं हमें देखने को। इज दैट क्लियर? ओके राइट इट डाउन। डन हाँ, फ्रेशली बनाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन क्रिएट कंडीशंस लाइक दैट।
वो कौन से हैं गूगल कर लो, मतलब बेस्ट एग्जांपल तो यही होगा भावेश, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी द सच रिएक्शन। एक्चुअली जो हम जो एग्जांपल्स ले रहे हैं ना, वो ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो केमिस्ट्री में नॉर्मली मिलते हैं, राइट, है ना, कॉमन से एग्जांपल्स होते हैं। अभी जैसे मुझे नहीं मिल रहा, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन गूगल, तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आगे बढ़ सकते हैं रेडी? ओके, तो अब देखो ये समझ पा रहे हैं ना कि कौन सा रिएक्शन होगा और कब होगा। कल्पेश, विच पार्ट, विच केस डू यू वांट टू राइट? थ्री, ओके, राइट डाउन देन। Done. Okay. So I'll give you a simple question. Suppose for a reaction, तुम्हारे पास delta H suppose है 100 kilojoule, ठीक है, per mole, and delta S reaction के लिए let's say it is 400 joule per mole है, ठीक है? तो question है predict the temperature above which the given reaction will become spontaneous. देखो क्वेश्चन इजी है, जस्ट सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। Just give me 2 minutes. I have a call. 2 minute ले लो, ठीक है? एक call है मुझे, वो attend करना, किसी का call आ रहा है। तब तक आप इसको solve कीजिए, easy question है ना? Just give me 2 minutes till then. 2 minutes, okay? सबका आंसर आ गया ना? एलडी, ऐसा कोई है जिसका आंसर नहीं आया? एवरीडी, एनीबडी हु कुड नॉट गेट द आंसर? सबका आ गया आंसर, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो बेसिकली कंडीशन तो बड़ी सिंपल सी है। कंडीशन ये है कि रिएक्शन की डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए, राइट, यानी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव, यानी डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, और वी कैन से डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। कोई दिक्कत है? All he Google पे लिखा है कि all exothermic reactions are example of case 4. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सारे exothermic reactions नहीं है case 4 के example. देखो ये जैसे तुम्हारे पास है कि चूना में पानी डाला है, everybody,
ये वाला एग्जांपल देखा होगा तुमने, इसमें क्या होता है, डेल्टा एच लेस देन जीरो है और ये डेल्टा एस लेस देन जीरो, दिस इज वन एग्जांपल बट नॉट ऑल। बट यहाँ पे भी देखोगे, नहीं नहीं यहाँ पे भी देखोगे पंगा क्या है ना, कि यहाँ पे भी सॉलिड है और ये नहीं नहीं इस केस में, ये दूसरे केस में जाएगा, एंट्रोपी बढ़ रही है, नहीं मिलेगा तुम्हें कोई, ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस नहीं होते हैं एंट्रोपी बढ़ने वाले। सारा ऐसा थोड़ी है, कुछ होंगे कुछ होंगे, सारे नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आंसर तो आ गया ना सबका 250, एवरेडी 250 तो आंसर आया ना सबका। ठीक है, तो अब देखो समझ में आ रहा है कि बेसिकली हाउ कैन वी प्रेडिक्ट कि किस टेम्परेचर पे कौन सा रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वी कैन नाउ फिगर आउट राइट। अब तो हम ये बात बता पा रहे हैं ना। ओके, सो कैन यू टेक अप क्वेश्चन इंटेक्स एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन 4। इंटेक्स एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन 4 पेज 5 7.25। आ गया आंसर एवरीडी, बी आया। ओके, लेट एवरीवन गेट द आंसर। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी दिया हुआ है, यानी डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस भी दिया है, ये दोनों चीजें दी हुई है राइट। तो आपको डेल्टा जी निकालना है, तो बहुत इजी है राइट। तो डेल्टा जी निकाल लो, बहुत इजी है ना ये तो। Is that clear or not? आ गया होगा सबका आंसर, कैलकुलेशन मतलब बेसिकली आसान तो है ना, कोई डाउट तो नहीं है। Already done. नहीं आया, क्यों नहीं आया भावेश? डेल्टा एच आपका दिया है ना, दिस इज -382.64 इंटू 10 की पावर 3 -298 इंटू -145.6 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, तो आएगा ये। बहुत मुश्किल है क्या?
डन एवरीवन। एवरी डन, आगे बढ़े। एवरीडे डन और नॉट? ओके फाइन, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। टू ए फॉर्म्स थ्री बी, मोलर एंट्रोपी ऑफ ए इज टू जूल पर मोल पर केल्विन एंड एंट्रोपी ऑफ बी इज लेट्स से 1 जूल पर मोल, इसको 4 दे देता हूं मैं पर केल्विन, ठीक है। डेल्टा एच रिएक्शन का है 100 किलो जूल, ठीक है। तो क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द टेम्परेचर एट विच द अबव रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है ना, इक्विलिब्रिया पे कब होगा? जब डेल्टा जी जीरो हो, राइट? एवरी आंसर आया। अच्छा, पहले तो रिएक्शन का डेल्टा एस निकालना पड़ेगा ना आपको, तो वो कैसे निकालोगे? 4 × 3 − 2 × 2, राइट? तो 8 आया जूल पर मोल या जूल पर केल्विन बोलो रिएक्शन का। तो डेल्टा जी जीरो करने के लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जीरो होना चाहिए, राइट? तो ये आ जाएगा दिस मच, टेम्परेचर तुम्हें निकालना है इनटू 8 कर दो और इक्वेट करके टी निकाल दो, तो 12,500 केल्विन आएगा। क्या आया ऑलरेडी? 12,500 केल्विन आया ना टेम्परेचर। क्लियर है सबको या नहीं है क्लियर? क्लियर है ना? ओके, सो लिखना है इसको। डन एवरीवन, स्क्रॉल करें नीचे। ओके अच्छा देखो, कुछ और डेरिवेशंस हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी ना, वो हमने सीख लिया। कुछ और भी डेरिवेशंस हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? सो वी विल आल्सो सी दैट। बट अभी यदि तुम पूछो कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सो इट इज द पार्ट वी जस्ट कवर्ड राइट नाउ, ठीक है? अभी जो हमने कवर किया है वही गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कि ऑब्वियसली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है, राइट? अब हम बात कर लेते हैं, कुछ और भी चीजें हैं गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर, राइट? वो भी हम देख लेते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट दे आर देयर। अब देखो, अब जैसे हमने क्या पढ़ा, जी को लिखते हैं एच माइनस टी एस, राइट? तो डी जी को क्या लिखेंगे? डी जी को अपन लिखेंगे डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब इसको एक्सपैंड करते जाएंगे हम, एक्सपैंड
एक्सपैंड कैसे करेंगे? एच होता है यू प्लस पीवी। आवाज नहीं आ रही क्या एवरीडे? एम आई ऑडिबल? एवरीडे एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके फाइन। सो एच होता है यू प्लस पीवी, तो डी एच क्या आएगा? डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, राइट? तो अब इसको फिर यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो ये लंबा सा इक्वेशन बनेगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, इस तरह का कुछ इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब फिर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डी यू होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, तो अब डी क्यू क्या आएगा? डी यू माइनस डी डब्ल्यू आएगा, राइट? Is that clear or not? ठीक है, या फिर तुम सीधा लिख दो ऐसा ना, DQ DU plus PDV को सीधा लिख दो DQ, ये भी तो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना एवरीडे, देख लो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं गाइस, कर सकते हैं? देखो ये फॉर्म, ये सब डेरिवेशन है, तुमको याद नहीं करना है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो आ कैसे रहा है। ठीक है, टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी, तो ये टी डी एस कट जाएगा, तो एक अपने पास रिलेशन ये भी आ जाएगा, वी डी पी को डी जी लिख नहीं सकते, वी लिखने वाले हैं वी डी पी माइनस एस डी टी, हम डी जी तब लिखते हैं जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिखते हैं, मतलब पिछले बार एक स्ट्रेस नहीं पूछा था एक बच्चे ने कि टेम्परेचर चेंज करके लिख सकते हैं, टेम्परेचर चेंज वाले फैक्टर्स को हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं, बट ये इग्नोर कंसीडर कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आती हैं उसके बाद, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है बट इट इज अ पार्ट। ठीक है, तो टेम्परेचर यदि चेंज होगा तो ये डीजी होगा। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, डन एवरीवन। थर्मो का पार्ट टू खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तीन पार्ट्स है ना इसके, पार्ट टू इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंड, नेक्स्ट लेक्चर 15-20 मिनट लगेगा, फिर पार्ट थ्री इजी है, पार्ट थ्री इज द इजीएस्ट इन थर्मोडायनेमिक्स, जो तीसरा पार्ट है ना थर्मोकेमिस्ट्री वो बहुत इजी है। रिटन एवरीवन, ओके, तो अब देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा dg is equal to vdp minus sdt, तो जब तुम टेम्परेचर रखोगे कांस्टेंट तो dt वाली जो टर्म है वो हो जाएगी जीरो, तो dg क्या आएगा? vdp, यही ना, नॉन मैकेनिकल वर्क आएगा, राइट? नॉन मैकेनिकल वर्क आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उस केस में डी जी को हम लिख सकते हैं एन आर टी बाई पी डी पी, तो अब डी जी क्या आएगा? अब इंटीग्रल डी जी आएगा एन आर टी इंटीग्रल डी पी बाई पी वन से टू, सो इट विल बी एन आर टी लॉग ई पी टू अपॉन पी वन, और इसको लिख लो वन से टू, तो इट विल बी जी टू माइनस जी वन इज इक्वल टू एन आर टी log e p2 minus p1, तो ये भी एक रिलेशन बन जाता है कि फ्री एनर्जी मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ऐसे डिफाइन करते हैं।
ठीक है एवरीडी। ओके राइट इट डाउन। रिटर्न एवरीवन। ओके देखो, अब देखो ये जो चीजें अभी लिख रहा हूं ना मैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। कम ही आते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन, बट ठीक है आते तो हैं, आ सकते हैं इनफैक्ट। अब डीजी को मैं लिखा वीडीपी माइनस एसडीटी, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा बताओ। एट वो तो कांस्टेंट, नॉर्मली हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही पढ़ते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आएगा, डीजी आ जाएगा माइनस एसडीटी, ठीक है। तो एस क्या आएगा, माइनस डीजी अपॉन डीटी एट कांस्टेंट पी, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस डीजी अपॉन डीटी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। ये देखो आगे, ओके ठीक देखो, अब व्हाट इज लेफ्ट आउट, अब बचा क्या है इसके अंदर। एक्चुअली में ये एस नहीं होता है, एक्चुअली में किसी के ना किसी हिसाब से चेंजेस ही रहते हैं, तो वो तो खैर आगे चीजें हम देखने वाले हैं। अभी क्या है कि इक्विलिब्रियम समझते हो ना, केमिकल इक्विलिब्रियम एक टॉपिक आता है अपना जो कि आने वाला है। तो अभी इक्विलिब्रियम के साथ डेल्टा जी को जोड़ते हैं और कुछ रिलेशंस और डिराइव करते हैं, तो वो पार्ट अभी बचा हुआ है, ठीक है। एक होगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, उसके साथ जी का रिलेशन देखना है हमें, ठीक है ना। फिर उसमें रिएक्शन कोशेंट होता है, उसका रिलेशन देखना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है वो बताना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वो बताना होगा, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना होगा, उसके बाद उसका रिलेशन डेराइव करना होगा, राइट। तो अब ये दो तरीके हैं, एक तो ये है कि ये सारी चीजें हम वहीं पे कर लें और अभी सिर्फ फॉर्मूला देख लें, ठीक है। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में थर्मोडायनेमिक्स यूज होता है, खास करके डेल्टा जी वाला पार्ट यूज होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। फिर तो फॉर्मूला अभी देख लेते हैं, वहां पे एक्चुअली में क्या रिलेशन है वो कर लेंगे डिराइव। तो आज के लिए, अच्छा आज देखो हमने क्या किया है, आज वी हैव डिराइव सर्टेन रिलेशनशिप्स। पहले हमने डिराइव किया है कि डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंटायर थर्मोडायनेमिक्स। यदि तुम बोलोगे तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये देखना है तुम्हें। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया वो डेल्टा जी सिस्टम इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तीसरा हमने जो डिराइव किया डेल्टा जी इज वी डी पी माइनस एस डी पी, ये सब तो उसके बेसिस पे ही डिराइव किए हैं, राइट। डेल्टा जी इज एन आर टी लॉग पी टू अपॉन पी वन, और डेल्टा और एस इज माइनस डी जी अपॉन डी टी, ठीक है। कोई डाउट है आज की क्लास में? अच्छा होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज वन में कहां तक होमवर्क दिया था आपको एवरीडी, एक्सरसाइज वन में कहां तक दिया था,
एवरीडे एक्सरसाइज वन में कहां तक, एक्सरसाइज वन में कहां तक हो गया था अपना? अरे नहीं बताओगे एक्सरसाइज वन में कहां तक किया था? एक्सरसाइज वन से दे रहा हूँ, अरे एक्सरसाइज वन में कहां तक हुआ था ये तो बता दो। 16th तक। ओके तो 17 से लेकर के, 17 से लेके 37 तक होमवर्क है। ट्वेंटी फाइव तक दे दिया था, 25 तक ऑलरेडी दे दिया था, तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर 26 से 37, 26 से 37, फाइन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। योर टेस्ट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच इज टू बी हेल्ड टुमारो। ठीक है, चलो गुड बाय।